हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप बढ़िया होंगे और मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। दोस्तों, मुंबई का जो सबसे बिजी स्टेशन है वो है दादर स्टेशन। तो दादर स्टेशन के बारे में आपको सारी सारी डिटेल वो मिलने वाली है। तो सबसे पहले दादर स्टेशन को मैप के थ्रू समझते हैं। यहाँ पे आप मैप पे देख लीजिए, दादर स्टेशन है, इसके दो जोन के अंदर बटा हुआ है, सेंट्रल और वेस्टर्न। दादर के सेंट्रल लाइन में 8 प्लेटफॉर्म है और वेस्टर्न लाइन में 7 प्लेटफॉर्म है। तो सबसे पहले देख लेते हैं सेंट्रल लाइन। सेंट्रल रेलवे की प्लेटफॉर्म नंबर 1 से लेकर 6 तक यहाँ पे सिर्फ लोकल ट्रेन आती है। और जो प्लेटफॉर्म नंबर 7 और 8 नंबर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसके अंदर यहाँ पे सिर्फ मेल या फिर एक्सप्रेस ट्रेनें आती है। तो जो दादर टर्मिनस है वो प्लेटफॉर्म नंबर 7 और 8 पर ही है। तो दोस्तों, अब अपन चलते हैं सेंट्रल रेलवे के प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर। तो अभी मैं सेंट्रल लाइन के प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे खड़ा हूँ और यहाँ पे आप देख लीजिए, जो प्लेटफॉर्म नंबर 6 है इस पे फास्ट लोकल CST की तरफ जाती है। प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे टिकट चेकिंग स्टाफ रूम भी है, तो यहाँ पे टिकट चेक भी होती है और यहाँ पे ऑटोमेटिक टिकट मशीन भी है, तो यहाँ से आप खुद भी टिकट ले सकते हो। और इसके अलावा इसी प्लेटफॉर्म पर टिकट विंडो भी है, तो यहाँ से आप लोकल ट्रेन की जो टिकट ले सकते हो। अब हम चलते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 7 और 8, जहाँ पे दादर टर्मिनस है। दादर टर्मिनस पर आप यहाँ पर मेल और एक्सप्रेस ट्रेन की जो टिकट ले सकते हो, और इसके अलावा आप यहाँ पर रिजर्वेशन करवा सकते हो। नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के लिए ट्रेनें जाती है। तो इस प्लेटफॉर्म पे आप देख लीजिए, लेफ्ट साइड में 7 नंबर है और राइट साइड में मेल और एक्सप्रेस ट्रेन जो CST से आती है उनका स्टॉपेज है यहाँ पर प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे। मतलब 5 नंबर प्लेटफॉर्म पे कोई भी लोकल ट्रेन नहीं आती है। प्लेटफॉर्म नंबर 4, 5, 6 के ऊपर एक ब्रिज है और इस ब्रिज के ऊपर टिकट विंडो है, तो लोकल ट्रेन की जो टिकट है वो यहाँ पर आपको मिल जाएगी। और हाँ दोस्तों, स्लो ट्रेन और फास्ट ट्रेन की जो टिकट है वो एक ही होती है, और जो AC लोकल ट्रेन है उसकी जो टिकट है वो अलग रहती है। अभी हम चलते हैं सेंट्रल रेलवे के ही प्लेटफॉर्म नंबर 4 और 3 पर। तो अभी देख लीजिए, तो आप मैप पे देख लीजिए, इस प्लेटफॉर्म के लेफ्ट साइड के अंदर 3 नंबर प्लेटफॉर्म है और राइट साइड में 4 नंबर प्लेटफॉर्म है। तो 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे CST से फास्ट ट्रेनें जाती है करसारा और करजत के लिए, तो वो ट्रेनें प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे रुकती है। तो आपको करसारा कल्याण इधर जाना हो तब आपको प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे आना है, अदरवाइज आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ मिलेगी। तो अगर आपको छोटे स्टेशन पे जाना हो तो फिर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे जाना पड़ेगा। तो अब हम आ गए हैं प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर। यहाँ पे कल्याण से CST के लिए, CST की तरफ जाने के लिए यहाँ पर स्लो ट्रेन लगती है। तो अब हम चल रहे हैं सेंट्रल रेलवे के लास्ट प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 2 पे। तो यहाँ पे 2 नंबर प्लेटफॉर्म से ठाणे, कल्याण, करजत, खोपोली, इधर के लिए सेंट्रल लाइन की तरफ यहाँ पर स्लो ट्रेन लगती है प्लेटफॉर्म नंबर 2 से। दोस्तों, मुंबई लोकल ट्रेन से लगभग 60 लाख लोग डेली ट्रेवल करते हैं और मुंबई की जो पॉपुलेशन है वह 2 करोड़। और हाँ दोस्तों, न्यूजीलैंड अगर पूरा देश मुंबई की लोकल ट्रेन में ट्रेवल करे फिर भी मुंबई की लोकल ट्रेन है वो आधी खाली रह जाएगी। और दोस्तों, प्लेटफॉर्म नंबर 2 से यहाँ पर कल्याण की साइड के लिए ट्रेन यहाँ से स्टार्ट होती है, तो यहाँ पे जो ट्रेनें हैं लगभग आधा घंटे या फिर 1 घंटे के बाद में यहाँ से ट्रेन कल्याण के लिए स्टार्ट होती है। और प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर खोपोली, कल्याण, करजत, इधर के लिए स्लो ट्रेन लगती है। और ये स्लो ट्रेन है, ये सेंट्रल रेलवे के सारे जो प्लेटफॉर्म है वो देखने के बाद में अब हम चलते हैं वेस्टर्न रेलवे की तरफ। तो वेस्टर्न रेलवे में देखेंगे दादर के कितने प्लेटफॉर्म है और वहाँ पे स्लो ट्रेन है, कौन से प्लेटफॉर्म पे आती है, फास्ट कौन से प्लेटफॉर्म पे आती है। यहाँ पे बोर्ड पे लिखा हुआ भी है कि ये देख लीजिए वेस्टर्न रेलवे की तरफ। तो अभी हम जिस ब्रिज पर चल रहे हैं वो ब्रिज ये है। तो ये वाला ब्रिज है, ये वेस्टर्न रेलवे की एग्जिट इससे निकलता है और सब वी मतलब है विरार, और आगे देख लीजिए सी लिखा हुआ, सी मतलब है चर्च गेट। तो ये स्टेशन के कोड हैं और आगे लिखा हुआ है 2:15, मतलब 2:15 पर ट्रेन आएगी। और आगे लिखा हुआ एफ का मतलब है कि वो ट्रेन है वो फास्ट है। और इस स्क्रीन पे लिखा हुआ है प्लेटफॉर्म नंबर 4, और यहाँ पे आप देख लीजिए प्लेटफॉर्म नंबर 4 के आगे LED लगी हुई है, मतलब चर्च गेट के लिए 2:15 पे फास्ट जो ट्रेन है वो प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे आएगी। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम वेस्टर्न रेलवे में आ गए हैं, तो वेस्टर्न रेलवे के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे आएगी। मुंबई की लोकल ट्रेन के स्टेशन का कुछ कोड है और वो जो कोड है वो स्टेशन पे लगे रहते हैं, तो आप ये जो स्टेशन के कोड है वो आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। जैसे कि सेंट्रल रेलवे के कुछ स्टेशन का कोड है, मुंबई CST का है ST कोड, थाने का T है, कल्याण का कोड है K और करजत का S है, ध्यान रखना दोस्तों, कसारा का N कोड है। और अब हम देखते हैं वेस्टर्न रेलवे के कोड, चर्च गेट का C है, दादर का D है, बेंड्रा का B है, बोरीवली का BO है, विरार का V है, वसई रोड का VS है। तो अब हम चलते हैं वेस्टर्न रेलवे के प्लेटफॉर्म की तरफ। वेस्टर्न रेलवे में लोकल ट्रेन के जो प्लेटफॉर्म है वो है 5, मतलब 1 से लेकर 5 तक लोकल ट्रेन आती है और 6-7 पे मेल और एक्सप्रेस ट्रेन आती है। तो अभी हम जा रहे हैं वेस्टर्न रेलवे के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे जो ट्रेन स्लो ट्रेन आती है वो चर्च गेट से इधर विरार की तरफ जाती है।
अब आपका डाउट ये होगा कि हमें क्या पता कि हम कौन से रेलवे के प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, सेंट्रल रेलवे के प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं या फिर वेस्टर्न रेलवे के प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं। तो बहुत ही सिंपल है, जिस प्लेटफॉर्म पे जो ट्रेन आती है अगर उस पर WR लिखा हुआ है, इसका मतलब है वो वेस्टर्न रेलवे का प्लेटफॉर्म है, और जिस प्लेटफॉर्म पे अगर कोई ट्रेन आती है और उस पर CR लिखा हुआ है तो उसका मतलब है सेंट्रल रेलवे। तो वो जो ट्रैक है वो सेंट्रल रेलवे का ट्रैक है। लोकल ट्रेन की जो स्पीड है वो 90 KMPH है, मतलब ये 5 से 10 सेकंड के अंदर फुल स्पीड पकड़ लेती है। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि जब ट्रेन चलने लग जाए तो आपको छोड़ देना है, आपको बिल्कुल ट्रेन नहीं पकड़नी है, दूसरी ट्रेन आ जाएगी, क्योंकि मुंबई के अंदर जो लोकल ट्रेन की जो फ्रिक्वेंसी है 5 से 10 मिनट की है। वेस्टर्न रेलवे के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे ही टिकट विंडो है, तो आप वहाँ से टिकट ले सकते हैं। अब हम जा रहे हैं वेस्टर्न रेलवे के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर। तो प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे बोरीवली या फिर विरार से चर्चगेट की तरफ स्लो ट्रेन जाती है। हाँ दोस्तों, ये जो वीडियो है मैंने संडे के दिन शूट किया है, तो यहाँ पे आपको भीड़ है वो दिख रही होगी, थोड़ी कम है, बट वीकडे के अंदर जो भीड़ है बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। तो आप अपने वॉलेट और मोबाइल का ध्यान रखना। वेस्टर्न रेलवे के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे जो ट्रेन आती है वो है फास्ट ट्रेन, और ये चर्चगेट से चलती है। चर्चगेट से स्टार्ट होके विरार और ये बोरीवली की तरफ ट्रेन जाती है, तो यहाँ पे सिर्फ फास्ट ट्रेन ही रुकती है। अब हम चलते हैं वेस्टर्न रेलवे के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर, जहाँ पे जो ट्रेन है वो फास्ट ट्रेन आती है, और ये बोरीवली और विरार से की तरफ से आती है और चर्चगेट की तरफ जाती है। वेस्टर्न रेलवे के प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर कुछ मेल ट्रेन या फिर एक्सप्रेस ट्रेन जो मुंबई सेंट्रल से स्टार्ट होके दादर में आती है, तो वो प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे ही आती है। और इसके अलावा प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर फास्ट ट्रेन है वो दादर से जो स्टार्ट होती है वो प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे स्टार्ट होती है, मतलब प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे कुछ फास्ट ट्रेनें हैं विरार और बोरीवली के लिए जाती है। यहाँ पे आप मैप के अंदर देख सकते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 5 के आगे ही, यहाँ पे आप देख लीजिए प्लेटफॉर्म नंबर 6 और 7 है वेस्टर्न रेलवे में। तो वेस्टर्न रेलवे में प्लेटफॉर्म नंबर 6 और 7 पे मेल और एक्सप्रेस ट्रेन स्टार्ट होती है, आप यहाँ पे देख लीजिए। ध्यान रखना दोस्तों, प्लेटफॉर्म नंबर 6 और 7 है वो प्लेटफॉर्म नंबर 5 के जस्ट पैरेलल में नहीं है, मतलब 5 नंबर प्लेटफॉर्म से हम विरार बोरीवली की तरफ जाएंगे, आगे जाएंगे काफ़ी दूर चलने के बाद में प्लेटफॉर्म नंबर 6 और 7 है।
दोस्तों दादर स्टेशन पर वेस्टर्न रेलवे और सेंट्रल रेलवे को कनेक्ट करने वाला सबसे बड़ा ब्रिज है ये। तो इस ब्रिज पे टिकट विंडो भी है, तो आप यहाँ से लोकल ट्रेन की टिकट ले सकते हैं और रिजर्वेशन काउंटर भी है। वेस्टर्न रेलवे और सेंट्रल रेलवे ये सिर्फ रेलवे ट्रैक का नाम है दोस्तों, इसमें ज़्यादा कन्फ्यूज मत होना। वेस्टर्न रेलवे की अगर आपको कोई टिकट लेनी हो तो आप सेंट्रल रेलवे के स्टेशन से ले सकते हैं, और सेंट्रल रेलवे की कोई टिकट लेनी हो तो आप वेस्टर्न रेलवे के स्टेशन से टिकट ले सकते हैं। तो यहाँ पर जो ब्रिज के ऊपर ये टिकट काउंटर है, इस टिकट काउंटर से आप सेंट्रल रेलवे की टिकट ले सकते हो और वेस्टर्न रेलवे की भी टिकट ले सकते हो। तो अब मैं आपको लेके चलता हूँ रिजर्वेशन काउंटर पे। तो रिजर्वेशन काउंटर है वो इसी ही जो अनरिजर्व टिकट सेंटर है इसी के ऊपर है, तो आप ये देख लीजिए। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो सेल्फ टिकटिंग मशीन है इसको खुद यूज कैसे करें और कैसे हम टिकट है इस निकाल सकते हैं अपने आप। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, सबसे पहले इस मशीन के इंटरफेस पर आप देख लीजिए, सबसे पहले लिखा हुआ है फास्ट बुकिंग। तो फास्ट बुकिंग पर मैंने क्लिक किया है। फास्ट बुकिंग पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे स्टेशन का नाम आ गया, कौन से स्टेशन के लिए मेरे को टिकट चाहिए, तो मैंने क्लिक कर दिया बेंड्रा। बेंड्रा के लिए यहाँ पे आ गया चार्ज, कितने रुपये, 5 रुपये। तो 5 रुपये अगर मैं यहाँ से मेरे को अगर UPI ऐप से पे करना है तो यहाँ पे QR कोड पे क्लिक करना पड़ेगा और QR कोड आ जाएगा और UPI से फिर हम जो पेमेंट है वो पे कर देंगे और हमारी जो टिकट है वो बन के बाहर आ जाएगी।